साहित्य जगत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय में संकलित पाठों पर आधारित श्रृंखला साहित्य जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आधुनिक काल के अंतर्गत कविता छायावाद। इस युग की काव्यधारा की प्रधान प्रवृत्ति को छायावाद की संज्ञा दी जाती है। हिंदी कविता के क्षेत्र में छायावाद का उल्लेख 1920 ईस्वी के आसपास मिलने लगता है। शुक्ल जी इसे रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं के प्रभाव से आया हुआ मानकर इसका संबंध ईसाई संतों के फैंटेस माटा यानी छायाभास शब्द से जोड़ते थे। उन्होंने छायावाद को चित्र भाषा शैली भी कहा। नंद दुलारे वाजपेयी ने इसका संबंध युग बोध से जोड़ते हुए भी इसे व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह माना। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक छायावाद में दिखाया कि छायावाद कई काव्य प्रवृत्तियों का सामूहिक नाम है और वह उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति पाना चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। छायावाद साम्राज्यवाद विरोधी मानवतावादी काव्यधारा है। वह व्यक्ति के सुख दुख का उदात्तीकरण कर देता है। प्रसाद ने आंसू के उत्तरार्ध में आंसू की घनीभूत पीड़ा को दुख दावा से दग्ध विश्व की पीड़ा से जोड़कर इस जग के वृंदावन बन जाने की कामना की। उनकी कामायनी शक्तिशाली और विजयी बनने का आह्वान करती है। शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। निराला ने शिवाजी का पत्र में मुगल शासन को साम्राज्यवादी कहा। राम की शक्ति पूजा में अन्याय जिधर है उधर शक्ति लिखकर अन्यायी और शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यवाद से निपटने के लिए केवल धर्म, न्याय और विवेक को अपर्याप्त बताते हुए शक्ति की आराधना का प्रस्ताव किया। छायावाद व्यक्ति के मानस को उड़ने के लिए कल्पना का अनंत आकाश देता था। वह दीन दलित के दुख से व्यथित भी होता था। उसने अपने परिवेश, देश की प्रकृति, नदी, पर्वत, खेत, खलिहान, इतिहास, पुराण सबको नई दृष्टि से देखा। उन सबकी नई पहचान बनाई।
उसने प्रकृति की भांति नारी को भी कल्पना से निर्मित किया और यथार्थ की दृष्टि से भी। कुल मिलाकर इस युग का साहित्य यथार्थ की विषम भूमि पर भावी भारत को रचने के स्वप्न का साहित्य है। इसमें शक्ति एवं मंगल की भावना है। छायावाद के प्रमुख कवियों प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937 ईस्वी। प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार में हुआ। इन्होंने प्रारंभिक काव्य रचना ब्रज भाषा में की। ये मूलतः आनंद के कवि हैं। अपने मन के गहरे विषाद को इन्होंने आंसू में लोक मंगल की भावना से जोड़ा है। जयशंकर प्रसाद टीस कचोट और जगत की नश्वरता के कवि हैं। कभी कभी उनमें सूफी कवियों जैसी उत्कट वेदना का भाव पाया जाता है। वे एक दार्शनिक कवि हैं। उन्होंने अपने इतिहास और दर्शन के ज्ञान को कामायनी में प्रबंध योजना से समन्वित करके अभिव्यक्त किया है। कामायनी मानव के बाह्य और आंतरिक विकास का कथा काव्य है, जो अंत में शैव आनंदवादी दर्शन में समाधान ढूंढता है। यद्यपि इस विशद कृति पर अनेक आधुनिक विचारों का प्रभाव है। इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, आंसू, झरना, लहर और कामायनी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 से 1961 ईस्वी। निराला का जन्म महिषादल राज्य यानी बंगाल में हुआ। उनका गांव गढ़कोला उन्नाव जिले के अंतर्गत पड़ता है। निराला ओज, औदात्य एवं विद्रोह के कवि हैं। उन पर वेदांत और रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद के दर्शन का प्रभाव रहा है, इसलिए उनकी कविताओं में रहस्यवाद भी मिलता है। निराला अकुंठ श्रृंगार तथा तृप्ति के कवि हैं। वे सुख दुख दोनों को भरपूर देखकर उससे ऊपर उठकर चित्रण करने की क्षमता रखते हैं। उनकी कविताओं में बौद्धिकता का भरपूर दबाव है। अपने युग का विषम यथार्थ और उससे उबरने की साधना उनकी तीन प्रबंधात्मक दीर्घ कविताओं तुलसीदास, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा में प्रकट हुई है। सरोज स्मृति उनकी कन्या सरोज की मृत्यु पर लिखी गई कविता है। अपनी कन्या के बचपन और किशोरावस्था का ऐसा अकुंठ और संयमित वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है। निराला हिंदी में मुक्त छंद के लिए प्रसिद्ध हैं। वे स्थितियों के संश्लेष से कम शब्दों द्वारा अधिक से अधिक भाव प्रकट करते हैं। नाद योजना का उनकी काव्यात्मकता में विशिष्ट स्थान है। निराला में प्रारंभ से ही छायावाद के साथ साथ सरल और बोलचाल की भाषा में जीवन के विषम यथार्थ को अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति रही है। यह महत्व निराला को ही प्राप्त है कि नई हिंदी कविता की सभी प्रवृत्तियों के कवि अपना संबंध निराला से जोड़ने में गौरव का अनुभव करते हैं। उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, अपरा, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते आदि। सुमित्रा नंदन पंत 1900 से 1977 ईस्वी। पंत जी का जन्म
उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक मनोरम स्थान पर हुआ। उनकी कविता में प्रकृति को विशेष महत्व प्राप्त है। पंत प्रधानतः संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि हैं। छायावादी कवियों में सबसे सहज अतः तत्काल स्वीकार्य तथा लोकप्रिय होने वाले कवि पंत थे। उनकी कविता ने छायावाद को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनकी काव्य चेतना ने कई मंजिलें तय की हैं। युगबोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत की काव्य चेतना की विशेषता है। प्रारंभ में वे प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत थे, फिर मानव सौंदर्य से। मानव सौंदर्य ने उन्हें समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। समाजवाद से वे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। वे मानववादी कवि थे जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे। वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी रहे। उनका अंतिम काव्य लोकायतन है जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं उच्छवास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण धूलि और स्वर्ण किरण। महादेवी वर्मा 1907 से 1987 ईस्वी। महादेवी जी का जन्म फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। महादेवी वर्मा की कविताओं में करुणा की भावना प्रधान है। उन पर बौद्ध दर्शन का भी प्रभाव है। आतुरता, प्रतीक्षा, समर्पण, जिज्ञासा उनकी कविताओं की प्रमुख भावनाएं हैं। उनमें नारी सुलभ सतर्क संकोच भी है, जिससे उनकी कविताओं की दोहरी व्याख्या होती है। कभी उन्हें श्रृंगारी समझा जाता है, कभी रहस्यवादी। वस्तुतः महादेवी की कविताएं भारतीय नारी की मानसिकता की उपज हैं। उनकी कविताओं की करुणा का संबंध लोक में व्याप्त और उनके निजी दुख से है। उस दुख के दूर होने की उनमें प्रबल आकांक्षा है। मैं नीर भरी दुख की बदली, उनकी प्रतिनिधि पंक्ति कही जाती है। किंतु उन्हीं की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, रात के उर्मे दिवस की चाह का शर हूँ। दीपक और बादल उनके प्रिय प्रतीक हैं। गीत रचना में उन्हें विशेष सफलता मिली है। उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं निहार, नीरजा, सांध्य गीत, यामा और दीपशिखा। छायावादी पद्धति पर कविता करने वालों में जानकी वल्लभ शास्त्री, राम कुमार वर्मा आदि अन्य कवि उल्लेखनीय हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत कविता छायावाद। साहित्य जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर संध्या सिंह, डॉक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचंद राम। आलेख विश्वनाथ त्रिपाठी। वाचन स्वर के चंदन और सुनीता चौहान। कार्यकारी निर्माण प्रभुदयाल खट्टर। ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे। तथा निर्माण एवं प्रस्तुति दाऊदयाल चतुर्वेदी